फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। दोनों स्टॉक के अंदर सिचुएशन अलग है। टाटा मोटर्स का स्टॉक फिलहाल बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और यहाँ से फिर दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। टाटा पावर का स्टॉक काफ़ी समय से ऊपर के लेवल के ऊपर है, यानी अपने 52 वीक के हाई के ऊपर है, यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। तो क्या दोनों स्टॉक में निवेश किया जा सकता है? क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है दोनों स्टॉक को लेकर? क्या टाटा के दोनों धुरंधर खिलाड़ी आने वाले समय में मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं? जिस तरह से लगातार इनके अंदर बहुत सारी कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही है, कंपनी लगातार बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है, अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, और इसके बीच में बहुत सारे बड़े जो फंड हाउस है वो भी निवेश बना रहे हैं स्टॉक में, तो उन सारी संभावनाओं के बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये आने वाले समय में हमें शानदार रिटर्न दे सकते हैं, क्या ये एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है इन दोनों स्टॉक के लिए, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 278 पर, हाई बनाई 279 की, लो है 268 का और अभी फिलहाल 277 पर, करीब 0.27% अपर, तो मामूली तेजी बनी हुई है। अभी इसको फ्लैट ही कह सकते हैं हम, अभी 1:45 बजे के आसपास का टाइम है, लेकिन खरीदारी बन रही है अच्छी खासी। NSE के वॉल्यूम की हम बात करें तो 2,30,51,000 का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है और सामने 62,67,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 27.19%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 2 बजे के आसपास 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, मतलब आज वॉल्यूम में बढ़ोतरी की पूरी संभावना बन चुकी है। और इसके बीच में शानदार पॉजिटिव न्यूज निकल के रही है। टाटा मोटर ने अपने नए मिनी SUV पंच मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, यानी आने वाले अपने दिवाली सीजन पर ये नए SUV पंच, यह H2X कॉन्सेप्ट का मॉडल है और ये ऑलरेडी 2020 के एक्सपो में इसकी झलक दिखा दी गई थी कंपनी की तरफ से। तो यह स्टॉक जो आने वाला मॉडल है बहुत ही शानदार है, जो इस फेस्टिवल सीजन पर धमाल मचाने को तैयार हो चुका है। टाटा के प्रेसिडेंट और पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस के जो हेड है शैलेश चंद्रा, उनका कहना है कि टाटा पंच नाम जो है वो एनर्जी को दर्शाता है, एक एनर्जेटिक व्हीकल है हमारा, ये कि स्ट्रॉन्ग फील आती है और इसीलिए ऐसा हमने नाम रखा है। अगर टाटा मोटर के लो की बात करें तो 120 का है 52 वीक का लो और 360 इसका 52 वीक का हाई है। और अगर हम इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट को हम अगर डिस्कस करें तो रिवेन्यू कंपनी का 66,410 करोड़ रुपीज़ रहा है, जिसमें 107.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम की बात करें तो -4,450 करोड़ रुपीज़ रहा है, जहां पर 47.25% की शानदार रिकवरी देखने को मिली है। डायलोटेड EPS -11.62 है और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -6.7% रही है, जहाँ पे 74.6% की शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर में 42.39% थी, उसको बढ़ा के मार्च में 46.41% कर लिया, जून क्वार्टर में एग्जिट रखा है, तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे, साथ में अपनी जो शेयर है उनको भी छुड़ा रहे। 3.95% की होल्डिंग दिसंबर में थी गिरवी, अब 1.82% रह गई है मार्च में, तो लगातार अपने शेयरों को गिरवी शेयर छूफ्री किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। FII की बात करें तो उनका भी शानदार निवेश बना हुआ है, 15.61% की होल्डिंग दिसंबर में थी, कुछ कम किया, 13.78% किया मार्च में, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से उन्होंने शानदार होल्डिंग बढ़ाई है, 14.28% कर लिया है। DII की बात करें तो 12.55% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 11.92% किया और जून में कुछ और कम किया, 11.48% किया, तो DII की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, 5.11% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च क्वार्टर में 5.30% कर लिया और जून क्वार्टर में 5.78% कर लिया, तो लगातार म्यूचुअल फंड टाटा मोटर को बहुत भरोसा कर रहे हैं और इस लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं। अदर्स की बात करें तो 29.45% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 27.89% की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में थी और जून क्वार्टर में 27.83% की होल्डिंग थी, तो इस लेवल पर स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े फंड हाउस में खरीदारी करें। अगर लेटेस्ट हम 31 जुलाई की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो HDFC टॉप 100 ने इसमें 358.43 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 1.80% की होल्डिंग ली है। HDFC फ्लैक्सी कैप ने इसमें 344.95 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 1.36% की होल्डिंग ली है। HDFC बैलेंस की बात करें तो 339.72
करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.81% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिंग इंडिया फ्लैक्सी कैप ने इसमें 264.56 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 2.75% की होल्डिंग ली है। मेरे एसेट हाइब्रिड ने इसमें 33.07 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.59% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने इसमें 170.15 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.69% की होल्डिंग ली है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने इसमें 163.88 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.84% की होल्डिंग ली है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप की बात करें तो 133.20 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.01% की होल्डिंग ली है। और SBI मैग्नम इक्विटी ने इसमें 132.28 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 3.29% की होल्डिंग दी है। साथ में UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक डायरेक्ट ने इसमें 122.49 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 8.85% की होल्डिंग दी है। तो आप देख लो, लगातार बड़ी होल्डिंग बढ़ रही है म्यूचुअल फंड की। शानदार तरीके से इसमें निवेश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है इस समय फेयर प्राइस पे मिल रहा है, इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। जितना नीचे मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट बुक करवा लिया था 348 के आसपास, क्योंकि हमारी खरीदारी लगभग 160 की थी और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट भी 348 का था, वो अचीव हो चुका था। और उसके बाद में मैंने कहा था कि थोड़ा सा वेट करें, अब ये खरीदारी का मौका आ चुका है। आपको इस लेवल पे बहुत ज़्यादा खरीदारी करनी चाहिए, ये आने वाले समय में फिर से आपको शानदार रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। एक बार हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट को देख लेते हैं तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप होता है 271 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, 266 इसका सेकंड सपोर्ट है और थर्ड सपोर्ट इसका 258 का है। तो फिलहाल ये 250 के ऊपर तक रहने की संभावना, नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। यहाँ से अगर दौड़ेगा तो 285 इसका फर्स्ट टारगेट है, 293 सेकंड टारगेट है और 298 इसका थर्ड टारगेट है। और जैसे ये 300 को क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ से तेजी की संभावना बन जाएगी। बिल्कुल इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, साल भर में स्टॉक इस बार आपको ये 450 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपका नजरिया इसका लंबा है तो ये स्टॉक तो आपको मालामाल करेगा, 5 साल के निवेश पे ये 1000 तक जा सकता है आराम से। और फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे टाटा पावर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 125 पर, हाई बनाई 126 की, लो बनाया 123 का और अभी 125 पर करीब 0.16% अप पर, तो पॉजिटिव माहौल में आ चुका है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो NSE में 1,15,29,000 का वॉल्यूम हो चुका है और 45,31,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 39.30% है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें टाटा पावर की तो टाटा पावर लगातार अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज़ तलाश रहे और जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पे वो अपना मौका ढूंढ रहे। तो टाटा पावर, अदानी पावर और साथ में पावर ग्रिड, बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो साउथ ईस्ट यूपी टावर ट्रांसमिशन को अपने नाम करने के लिए, और टाटा पावर इसमें एक प्रबल दावेदार है। तो अगर ये इनके हाथ में बीड़ आ जाती है तो फिर एक बड़ा इनके पास कारोबार करने का एक और जरिया बन जाएगा। साथ में टाटा पावर अपने बिजनेस में और एक नया अचीवमेंट करने जा रहे हैं। टाटा पावर की जो सब्सिडियरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी यानी TPREL, जो है एक 100% सब्सिडियरी कंपनी है टाटा ग्रुप की, टाटा पावर की, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है। 150 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है लोहार की राजस्थान में और यह 756 एकड़ में फैली हुई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको टाटा पावर को पूरा करना है और जिसके माध्यम से करीब 350 मिलियन यूनिट्स हर साल जनरेट हो जाएगी बिजली इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और यह एक पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है जो TPREL और TPCDE के बीच में हुआ है और जिसके लिए 150 मेगावाट बिजली की सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और इसके जो प्रोजेक्ट के तहत है जिसमें 2947 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी जिसमें से 2015 मेगावाट सोलर है और 932 मेगावाट विंड पावर की बिजली। तो इस तरह से लगातार अच्छे पावर प्रोजेक्ट जो है हाथ में आ रहे हैं टाटा पावर के और इससे लग रहा है कि टाटा पावर आने वाले समय में कमाल कर सकता है। आप इसमें 10 साल का नजरिया लेके निवेश कर ले, ये स्टॉक डेफिनेटली 1000 तक जाएगा। अगर इसके 52 वीक की लो की बात करें तो 50 रुपीज़ का है और 137 इसका हाई है। फिलहाल स्टॉक करेक्ट हो चुका है लेकिन एंट्री के लिए आपको 120 के आसपास, मैंने पहले भी बोला हुआ है, 120 रुपये के आसपास आप खरीदारी करें। अगर आप चाहे तो इस लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार हम इसके पीवट लेवल को देख लेते हैं तो यहाँ से स्टॉक स्लिप होने पे 121 फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 118 का है और थर्ड सपोर्ट 115 का है। ऊपर की तरफ जाने पे इसका टारगेट 127 का फर्स्ट टारगेट है, 130 इसका सेकंड टारगेट है और 134 इसका थर्ड टारगेट है। तो बहुत जल्द यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, निवेश आप कर सकते हैं और दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे, इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।